मैंने ये उनको कहा है कि आप अफजल खान का नाम लेते हैं, शरद पवार के ऊपर जातिवाद का आरोप करते हैं, महाराष्ट्र का इतिहास आपने पढ़ा नहीं ना, आपने पढ़ा पुरंदर, यही तो बात है ना। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को किसने विरोध किया? अफजल खान का पेट फाड़ के अंदर का सब निकाल दिया, ये तो बहुत बड़ी बात मानते हैं, गर्व की बात है हमारे लिए कि दुश्मन को खात्मा करना ये उनका काम था। पर वो जो नखून दिए गए थे जिससे उन्होंने निकाला उसका पेट फाड़ डाला, वो किसने दिए थे? वो जिंदगी देने वाले का नाम था रुस्तमे जमाल। आपके हक पर हमला होने वाला है ये किसने बताया है? और जब अफजल खान गिर गया तो शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार चलाई गई, उसके जिंदगी में उनके ऊपर एक ही वार था, एक ही जख्म थी, और फिर जो मारने वाला था उसकी मुंडी छाट दी गई और वो मुंडी को तलवार पे रख के उनके सैनिक चिल्लाते हुए जल्लोष मनाने के लिए नीचे उतरे। तो किसका था ये सब धड़, किसका था आप कभी वो नहीं बताते, क्यों छुपाते हो? उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। क्यों नहीं बाबा साहब पुरंदरे ने कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी यह नाम लिखा? क्यों हमेशा कृष्णाजी भास्कर लिख दिया? तो जातिवाद के बारे में मत बताइए। जिसने अपनी माँ को सती से रोक दिया, जो सती परंपरा थी इस देश की, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारक था, जो समाज के धार्मिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह हुआ, अगर कहाँ हुआ तो शिवाजी के जमाने में, जिन्होंने जाति भेद नष्ट कर दिया, धर्म भेद नष्ट कर दिया, और आज भी इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्य ऐसा कभी कोई नहीं बोलता है, हमेशा बोलते हैं कि लोगों का राज्य था, रैतेस राज्य, रयत थी वहाँ पे। तो भाई साहब जात कहाँ से आई ये आपके आजोबा की किताब में लिखा गया है, जरा वो किताब पढ़िए, नहीं तो मैं वो किताब आपको भेज देता हूँ, जरा टाइम मिले कभी तो पढ़ लें। उन्होंने कहा कि जितेंद्र अवार्ड ने अवार्ड, तो एक तो महाराष्ट्र देश के भाषा किसी का उंगली दिखाकर उसके ऊपर इंजाम लगाना ये हमारे संस्कृति में नहीं चलता है। हम किसी को इकेरी भाव से नहीं बुलाते, हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो दुश्मन भी हो। पर जितेंद्र अवार्ड लगे असर फिर भी किसी का अपमानित करके भाषण करना ये कोई बड़ा भाषण नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है समाज में कि किसका व्यंग और रंग के ऊपर बात मत करो, आपके मन में जातिवाद कितना ठूस ठूस के भरा है ये आपके भाषण से पता चलता है। मेरे पीछे कोई नाम नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ताकत पे बैठा हूँ, खुद होकर मैंने अपने आप को निर्माण किया अपने आप का, उसमें मेरे माँ बाप और शरद पवार जी का योगदान है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मेरे पीछे कोई चाचा और मेरे दादा का नाम नहीं। जिस व्यक्ति के सामने आप बात के बारे में आप बात कर रहे हो वो एक पिछड़े समाज का प्रतिनिधि है, जिसको पवार साहब ने इतनी ताकत दी कि यहाँ तक ला रखा है। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बड़े बातों को आपने बड़ी गंभीरता से ली और 5 दिन में आप थाना आए। आपको दंगे भड़काने ही तो आपको कौन रोक सकता है? आपके वक्तव्य से, आप जो बोल रहे हैं उससे समाज अस्वस्थ हो रहा है, आपको अगर दिख नहीं रहा है तो आप होकर भी अंधे होने वाले को आप चश्मा नहीं लगा सकते। मैं बात उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं 2009 में मुंब्रा का आमदार बना, तब से इतिहास पढ़ लीजिए, सिर्फ 2 बार ऐसी घटनाएं घटी है, सिर्फ 2 बार। मैं कल आपको शाम तक आपको तारीख भी दे दूंगा। ऐसा है कि दुनिया में अतिरेकी कहाँ नहीं मिलते, लेकिन उनको जात धर्म के छापे मार के छप्पे मार के देखा नहीं जाता है। कोई धर्म आपको
कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये किसी ने लिखा है ये भी जान लो जरा, या अल्लामा इकबाल ने लिखा है। भाई साहब इस देश का पहले आते हुए कि जिसने हम एक बूढ़े पे जो निशस्त्र था उसके ऊपर 6 गोलियां चलाई, आपके मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलता, उसका नाम नथुराम गोडसे है। और मैं आज बहुत 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 विश्वास से बोलता हूँ कि आप में ठाकरे खानदान का कुछ भी नहीं है, आप में अगर कुछ है तो नथुराम के विचारों का योगदान है। हिंदुत्व को मुद्दा लेता है कि जॉनी लेवर बहुत बड़ा मिमिक्री किंग है, आज भी देखो आप जॉनी लेवर जो करता है लोग हंसते हंसते थक जाते हैं, आप में और जॉनी लेवर में कोई अंतर नहीं है, वो चित्रपट सृष्टि में करता था, आप राजकीय मंच पे करते हैं, सियासती मंच पे आप वही काम करते हैं। कुणाल कामरा और आप, इनकी बातें सुन के दुनिया हंसती है, हंसने के लिए राजनीति नहीं की जाती, लोगों के चेहरे पे हंसी लिखने के लिए आपको काम करना पड़ता है, उनकी गरीबी उनका दुख उनके आंसू ये कम हो इसका गंभीरता से ख्याल रख के आपको राजनीति करनी होगी। क्या राज साहब आपको मालूम नहीं आज की क्या क्या कीमत है, क्या आप गाड़ी चलाते समय जानते नहीं पेट्रोल की क्या कीमत है, क्या जानते नहीं डीजल की क्या कीमत है, क्या आप डीजल का बिल भरते ही नहीं कभी, कोई और भरता है, अगर आपके किसी से आएगा तो पता चलेगा ना कि भाई कीमत ऐसी कैसी बढ़ेगी, लेकिन आपको उसके ऊपर बोलते हुए नजर ही नहीं आया। देश अब आवाज से परेशान नहीं है, देश इन सब से परेशान है क्योंकि माँ बहनों का जीना मुश्किल हो गया है, ये बढ़ती हुई मुश्किलों की तरफ न देखा जाए, इसको नजरअंदाज किया जाए, इसलिए आप माथा भड़काने का काम